सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जिंदगी के हर कठिन से कठिन फैसले का सही निर्णय कर सकते हैं। बीज के टूटने की वजह से नया पौधा आ पाता है। उसी तरह आप जीवन में टूटने लगो तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि टूटने के बाद आप भी निखरते हो। आज का पंचांग 28 जून 2022 दिन मंगलवार, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र शाम 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:51 से 5:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मिथुन राशि पर ही रहेंगे। सिंह राशि 28 जून 2022 दिन मंगलवार, दूसरों के विश्वास का सम्मान करें और नम्र बने रहें। आप सफलता हासिल करने के राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा अंतिम समय पर सावधानी नहीं रखते। जीवन अप्रत्याशित होता ही है, इसलिए इन परेशानियों की अधिक चिंता ना करें। जीवन के पथ पर उत्साह और जोश से आगे बढ़ते रहें। लोगों के साथ मेल मिलाप रखें तथा अपने विचारों का आदान प्रदान भी करें। आपको समाज में मान सम्मान और यश की भी प्राप्ति होगी। आपके पर्सनल काम भी काफी हद तक पूरे होंगे। बढ़ रही व्यस्तता की वजह से महत्वपूर्ण बातों को वक्त दे पाना संभव नहीं है, जो आपके लिए दुख का कारण हो सकती है। योजना में बार बार बदलाव हो सकता है, जो आपके अंदर बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। बेकार के विवादों में फंसने की वजह से वक्त की बर्बादी हो सकती है। अभी के समय में हर एक बात पर ध्यान दे पाना संभव नहीं होगा। अन्य लोगों की सलाह लेने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ जब तक स्पष्ट रूप से बात नहीं होती तब तक समस्या का हल प्राप्त नहीं होता। बीपी की समस्या तकलीफ दायक हो सकती है। सावधानियाँ, ध्यान रखें कि पड़ोसियों के साथ नोकझोंक हो सकती है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें, वरना असर मानसिक सुकून पर भी पड़ेगा। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे संबंधों के बीच चल रहे तनाव का असर परिवार पर ना आने दें। आपस में ही बैठकर सुलझाएं तो अच्छा है। आप और आपके साथी के लिए आज जीत की स्थिति भी बनी हुई है। आपकी कामुक भावना आप पर हावी है, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसी तरह की आग दूसरी तरफ भी विद्यमान है। सचेत रहें और पूछें। आप निराश नहीं लौटेंगे। सिर्फ एक छोटी सी कोमल और देखभाल वाली दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे भी आप एक समझदार साथी हैं। बात करते हैं करियर की। छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए एक अच्छा दिन है। सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए दिन भी अच्छा है। किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचें। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत व्यवस्था के बावजूद व्यवसाय के लिए भी उचित समय निकालना जरूरी है। किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। बात करते हैं सेहत की। हल्की कमजोरी महसूस करेंगे, लेकिन लापरवाही ना करें, तुरंत दवाइयां लें। अच्छा, आपकी शारीरिक सेहत थोड़ी सी अप्रत्याशित ही रहेगी, लेकिन आप अचानक आए इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि स्वस्थ मन की बदौलत सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य में दिक्कत के बावजूद अपने मानसिक शक्ति के कारण अपने सब निर्धारित काम समय से पूरे कर पाएंगे। आज का उपाय,
हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।